Today our topic is Daffodils, written by William Wordsworth. Daffodils का theme देखेंगे आज हम, Daffodils का message, title की importance, इसकी short summary आज के video में हम करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि Daffodils का जो writer है William Wordsworth, उनके बारे में हमें क्या आता है. सबसे पहले short intro करेंगे William Wordsworth का. William Wordsworth was an English romantic poet. William Wordsworth जो थे ये English का जो period है romantic, वहाँ से belong करते थे, romantic age से. इवन ऐसा कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ और जो कॉलेज थे, इन दोनों ने मिलकर ही रोमांटिक एज की जो क्रिएशन थी उसमें रोल प्ले किया था. क्योंकि इनके एक वर्क आया था लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश इन 1978, उसकी पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट हो जाता है. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे पोएम्स हैं जो कि अब भी उसी तरह से इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जैसे कि जब लिखी गई थी तब रखती थी. शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया वर्ड्सवर्थ का. इसके बाद हम करते हैं डैफोडिल्स का थीम, कि इस पोएम का थीम क्या है. द थीम ऑफ दिस पोएम आर नेचर, आर ह्यूमैनिटी, मेमोरी एंड इमेजिनेशन. ठीक है, इसमें हम देखेंगे जब स्पीकर हमारा जो है वो एक लाइन देखता है डैफोडिल्स की, जो कि एंडलेस लाइन होती है, दरख्तों के नीचे लगी हुई होती है, उसको देखिए बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है. वो ये सोचता है कि हमारा जो रिलेशन है नेचर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हम कहीं भी चले जाएँ, किसी भी शहर में डालें, लेकिन नेचर से हम नहीं भाग सकते. द स्पीकर इज़ द सैम्बल फॉर ह्यूमैनिटी एंड द डैफोडिल्स आर द सैम्बल ऑफ नेचर. एक बॉन्ड दिखाया गया है नेचर और ह्यूमैनिटी के दरमियान. इसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर को एज अ सुपर पावर. पहले हम सब लोग जानते हैं कि डैफोडिल्स तो एक नेचुरल पोएम है ही है. इसके साथ ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपने आप को नेचुरल पोइट कहलाते थे. मैसेज ऑफ डैफोडिल्स जो होता है इन द पोएम, ह्यूमैनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नेचर क्रिएट्स रियल एंड नॉट सिंथेटिक ह्यूमन हैप्पीनेस. लाइक इसका जो मेन मैसेज है वो ये है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ एक सिटी में रहते थे, एक रूम में रहते थे, गैजेट्स यूज़ करते थे, वो इतना हैप्पी फील नहीं करते थे, लेकिन जब वो बाहर निकले हैं, उन्होंने वो खूबसूरत सी लाइन देखी है, डैफोडिल्स को डांस करता हुआ देखा है, हवा में झूमते हुए देखा, तो वो कहते हैं ये जो इमेज है, ये जो सीन है, ये मेरे मन में इस तरह से इम्प्रिंट हो गया कि मैं अगर कभी फिर से मेरे ऊपर तन्हाई आती है तो मैं दोबारा उसी सीन को याद करके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ. थीम और मैसेज के बाद हम करेंगे टाइटल ऑफ डैफोडिल्स. द टाइटल ऑफ द पोएम इन्फॉर्म्स अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द पोएट विच ही फेसेस आफ्टर डेथ ऑफ हिज डेथ. डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की जो हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हर पोएट जो भी चीज़ लिखता है उसके पीछे एक स्टोरी होती है. तो डैफोडिल्स के पीछे ये स्टोरी थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई का जो है वो डेथ हुई हुई थी, तो वहाँ गए तो इनको मतलब ऐसा था कि अपने भाई के बाद जो अपना उनको सुकून मिला किसी से मिलके उनकी डेथ के बाद, वो डैफोडिल्स थे. हाउ द एंडलेस व्यू ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स इन द फील्ड क्रॉस द लेक फील्ड हिम विद जॉय द व्यू वाज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर. इस पोइम में जो हमारा राइटर है वो डैफोडिल्स नेचर को अप्रिसिएट कर रहा है और एक किस्म को ट्रिब्यूट दे रहा है नेचर को, कि नेचर तुम्हारी वजह से हम लोग जो है वो गम से जल्दी निकलते हैं. डैफोडिल्स का जो कंप्लीट नेम है वो है आई वांडर्ड ओनली एज अ क्लाउड, इज अ लिरिकल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एंड वाज इंस्पायर्ड बाय ए फॉरेस्ट इनकाउंटर 15 अप्रैल 1802 बिटवीन ही हिज सिस्टर डॉर्थी. इसका मतलब यह है कि जो डैफोडिल्स पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ तब लिखी थी जब ये अपनी बहन के साथ किसी जंगल में गया हुआ था, वहाँ पर इसने लॉन्ग डैफोडिल्स की जो रो थी वो देखी, तब इसने आके ऐसी पोएम लिखने का सोचा था. तो वो किसी ना किसी से इंस्पायर तो होता है, तो ये अपनी सिस्टर के साथ एक जंगल में गया था, वहाँ से इसने ये मतलब अपनी फेमस पोएम का जो आइडिया था वहाँ से लिया, वहाँ देखा, वो अपने माइंड में रखा और आके उसी पर लिखा.